तो दोस्तों आज हमने मंगा लिया एक गेमिंग चेयर। काफ़ी बड़ा डब्बा था तो मुझे यहाँ से अपनी जो टेबल है उसे हटाना पड़ा, और ये है ड्रोगो गेमिंग चेयर। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर एक पहले से ही गेमिंग चेयर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन मुझे एक और गेमिंग चेयर मंगानी थी। मैंने बोला भाई दो एक जैसी चेयर क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी अलग चेयर मंगाते हैं, और इस चेयर के फीचर्स मुझे काफ़ी सही लगे थे। तो ये वाली चेयर मैंने देखी थी अमेजोन पे, और यूट्यूब पे इसके बहुत ज़्यादा ऐसे रिव्यू नहीं थे, तो मैंने सोचा इसी को मंगाते हैं, और अगर किसी ने लेनी होगी तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो व्हील बेस है जिसमें भाई पहिए वगैरह लगाते हैं, और ये जो बेस है ना यहाँ पर ये मेटल नहीं है, वैसे प्लास्टिक है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा सॉलिड यहाँ पर बेस है। इसको साइड में रख देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ये इसका आर्म रेस्ट है, और ये एक एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो इसकी, लगाएंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर एक इसका जो हेड पिलो रहता है, और इस पर ऐसे ऑरेंज कलर का फायर बोल्ट बना हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट सा है। और उसके बाद यहाँ पर इसके जो बैक रेस्ट है, और इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो भाई डिज़ाइन कुछ इस तरह से, ब्लू कलर की चेयर ली है मैंने। इसके अलावा आई थिंक ये ग्रे और ब्लैक में भी अवेलेबल है, लेकिन जो डिज़ाइन है भाई काफ़ी सही है। और एक और चीज़, ये फैब्रिक है यहाँ पर, ये लेदरेट नहीं है, और फैब्रिक काफ़ी सही रहता है अगर गर्मियाँ वगैरह रहती है, तो उस हिसाब से मैं फैब्रिक प्रेफर करता हूँ, और दिखने में काफ़ी सही लग रही है। तो इसको भी एक बार मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक लंबर पिलो है, तो इसको भी खोल लेते हैं। और इसके ऊपर भी यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ड्रोगो की ब्रांडिंग है, और ये भी यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है। और एक और चीज़, ये जो लंबर पिलो है इसमें यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो एक यूएसबी वाली केबल भी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बैक मसाजर सा भी है जिसको आप पावर बैंक वगैरह से लगा सकते हो, तो इसको भी चेक करेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी काफ़ी भारी सी यहाँ पर जो सीट है, काफ़ी गद्देदार सी लग रही है वैसे। और ऑब्वियसली जो दूसरा हेड रेस्ट है वो यहाँ पर है, ऑब्वियसली एक हेड रेस्ट के साथ तो चेयर नहीं आएगी। उसके बाद जो मेन रीज़न था मेरा इस चेयर को लेने का, वो था कि इस चेयर में यहाँ पर आपको एक फुट रेस्ट भी देखने को मिलता है, और ऑब्वियसली फुट रेस्ट होता है तो थोड़ा बहुत जैसे रिलैक्स वगैरह होना चाहते हो तो ये भाई काम आ जाता है। देन फाइनली यहाँ पर इसके कुछ और असेंबली पार्ट्स हैं, तो इसको भी मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बेस प्लेट है जो हमारी चेयर के नीचे लगती है, बटरफ्लाई मैकेनिज्म है ये। और उसके बाद जो दूसरे बॉक्स में यहाँ पर इसके जो व्हील्स हैं, ये स्क्रूज एलन कीज हैं असेंबली वगैरह के लिए। और फिर हमारा यहाँ पर जो चेयर का हाइड्रोलिक जो सिलेंडर सा रहता है, और ये यहाँ पर इसके कुछ कवर्स वगैरह हैं, तो वो मैं असेंबल करूँगा तो पता लगेगा कहाँ लगेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसकी यूज़र मैनुअल है, तो जितनी भी जैसे असेंबली की इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेंगी तो यहाँ से ही पढ़ कर हमें असेंबल करनी होगी अभी। तो ये तो हो गई हमारी अनबॉक्सिंग, तो जल्दी से हम इसको असेंबल कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तो जितने भी स्क्रूज़ है भाई बहुत अच्छे से टाइट कर लो, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर जैसे चेयर होती है ना चूचू घूचू करती है। और अच्छी बात ये है कि टूल सारे आपको साथ में ही मिलते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है फ्रंट, तो ये जो पार्ट है ना ये फ्रंट की तरफ ही रहने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी तो सब कुछ लग गया है। तो सीट हमारी रेडी हो गई भाई। तो स्क्रूज सारे भाई अपनी जगहों पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये सही है, कंफ्यूजन वगैरह नहीं होती कौन सा स्क्रू कहाँ लगा हुआ है, तो यहीं से निकालो यहीं पे लगा दो। भाई फैब्रिक बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट साइज का, तो इसको अब लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बैकरेस्ट हमारी लग गई भाई, सही लग रही है चेयर तो। अबे यार एक चीज़ तो लगाना ही भूल गए जिसके लिए चेयर ली थी, इसका फुट रेस्ट। अब इसको कैसे लगाएं, अरे यार ये तो इस सीट को अटैच करने से पहले लगना था, लगता है जमीन पे लेटना पड़ेगा। हाँ वाह मजा आ गया भाई, बस अब इसके फाइनल टचेस दे देते हैं इसको।
तो फाइनली चेयर हमारी भाई पूरी असेंबल हो गई अच्छे से, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो इस चेयर में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो हैंड रेस्ट है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ पर एक लीवर है, और उसके अलावा इसको आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पर टिल्ट कर सकते हो, तो जो पोस्चर वगैरह रहेगा वो आपका काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। और यहाँ पर ये जो हैंड रेस्ट है ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, दबाने पर थोड़ा सा यहाँ से सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो ये काफ़ी सही है। बाकी जो लोग सोच रहे होंगे कि ये 180 डिग्री ओपन हो जाती है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लीवर है तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और भी हो सकती है, और भाई 180 तो हो ही गई होगी ऑलमोस्ट, भाई से ज़्यादा तो पीछे जाने में डर लग रहा है मेरे को। तो भाई 180 डिग्री चली जाती है, ओ भाई और पीछे जा रही है, तो हाँ भाई चली जाती है 180 डिग्री। बाकी इसमें आपको ये जो फुट रेस्ट भी दिया हुआ है, तो कभी सोना वगैरह हो तो आराम से सो सकते हो। और जो नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ थी, इसके लंबर में आपको यहाँ पर जो बैक मसाजर मिलता है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं एक बार इसको पावर बैंक से लगा लेता हूँ। ओए भाई ये तो वाइब्रेट कर रहा है पीछे, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है भाई, काफ़ी अच्छी खासी वाइब्रेशन है अगर मैं सुना पाऊँ तो। और भाई जितनी थकान हो रही थी इस चेयर को बनाने के बाद वो यहाँ पर एकदम अब ख़त्म हो गई। तो ओवरऑल चेयर मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है। यहाँ पर जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट सा है, और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर कुशनिंग है, और ओवरऑल जो पोस्चर है यहाँ पर इस चेयर के साथ वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और एक और चीज़, मेरी हाइट है 5'8", तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर जो नेक पिलो है वो एकदम सही जगह पर है, इवन जो लंबर सपोर्ट है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है जैसा आप देख सकते हो वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, और ऑब्वियसली इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये जो चेयर है काफ़ी अच्छी लगी, और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो इसकी जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, दिखने में काफ़ी सही लग रही है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट सा फैब्रिक है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। लेकिन ये जो चेयर को मैं अब कुछ दिन यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से यूज़ करना होगा तभी मैं बता पाऊँगा कि ये चेयर वर्थ है लेने लायक है या फिर नहीं। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का वो कुछ दिन बाद का रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ सेकंड ही होंगे, तो मिलते हैं कुछ दिन बाद। तो फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 महीने निकल चुके हैं, और इस चेयर को मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा था। देख सकते हो भाई बाल वगैरह भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये जो चेयर है इसको मैं एक तरह से अपने प्राइमरी चेयर की तरह नहीं यूज़ कर रहा था। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जो ग्रीन सॉल वाली चेयर है जैसे मैंने आपको पहले बताया शायद वीडियो में, लेकिन इस चेयर को मैं यूज़ कर रहा था अपने दूसरे स्टूडियो में जहाँ पर मैं बैठ के एडिटिंग वगैरह करता था। तो ये जो चेयर है डेफिनेटली बोलूँगा भाई काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आप लॉन्ग आवर्स तक इस पर बैठ कर काम करते हो, और ओवरऑल इसका जो कंफर्ट लेवल है डेफिनेटली बोलूँगा काफ़ी बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया शायद कि मेरी हाइट है 5'8", और ये जो चेयर है मैं मैक्सिमम 5'8" तक के जिनकी हाइट है उन्हीं को ही यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा। इवन अगर आप 5'9", 10" के भी हैं तब भी मैं ये जो चेयर है इतना रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो जैसे पोस्चर वगैरह ना ये 5'8" के लिए तो एकदम सही है। मेरे ऑफिस में 5'9" के भी जैसे लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है, बट नो डाउट चेयर यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अर्गोनॉमिकल है, एडजस्ट वगैरह कर सकते हो चीज़ें, और लॉन्ग आज तक आप इस पर आराम से बैठकर गेमिंग वगैरह कर सकते हो जैसे मैं तो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी इसकी जो लुक है जैसा आप देख ही चुके हो भाई काफ़ी सही लगती है, कलर्स भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, जो कलर है इसका वो अभी तक मैला भी नहीं हुआ है तो मुझे ये चीज़ सही लगी। बट एक चीज़ मेंशन करूँगा कि ऑलमोस्ट 1 महीने का यूज़ के बाद इसमें से थोड़ा सा स्क्वीकिंग वगैरह वाली आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ब्रांड को कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि इसके थोड़े से जो स्क्रूज वगैरह और अच्छे से टाइट कर दो, तो स्क्रू टाइट करने के बाद किसी तरह की कोई साउंड वगैरह नहीं आ रही है इसमें। तो ये चीज़ है जब आप इसको असेंबल करो तो अच्छे से स्क्रू वगैरह इसके टाइट कर लेना, शायद मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं किया होगा। तो ओवरऑल चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी जो लुक है वो मुझे भाई काफ़ी सही लगी है, और मेरे पास जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये जो ग्रीन सोल की चेयर है, तो अगर आपने ग्रीन सोल की चेयर और इस चेयर का कंपैरिजन देखना हो तो वो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपने इसको ख़रीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। इसका प्राइस यहाँ पर सेल वगैरह में 17,000 के आसपास रहता है, तो इस प्राइस पॉइंट में मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीद सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अगर थोड़ा सा और यहाँ पर प्राइस सेल वगैरह में डाउन होता है तो डेफिनेटली बोलूँगा आप इसको चेकआउट करिए, अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया जो ग्रीन सोल की चेयर है इसका कंपैरिजन देखना हो तो वो नीचे कमेंट करके बताओ, दोनों में कंपैरिजन मैं बता दूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी चेयर है। बाकी इस चेयर में आपको जैसे फुट रेस्ट और यहाँ पर ये जो बैक मसाजर दिया हुआ है वो तो काफ़ी यूजफुल है, उसको मैं डेली यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको कोई फुट रेस्ट और बैक मसाजर के साथ कोई फैब्रिक वाली अच्छी लुकिंग चेयर चाहिए हो तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो ये था मेरा रिव्यू ड्रोगो गेमिंग चेयर का, आपको कैसी लगी ये चेयर आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।